Good morning friends, now we are going to study the concept of capital structure. Capital structure refers to the proportion of debt and equity used for financing business operations. इसका मतलब बिजनेस में हम जो टोटल फाइनेंस यूज करते हैं उसमें से कितना परसेंटेज डेट का है और कितना परसेंटेज इक्विटी का है, इस प्रपोर्शन को ही हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. Now on the basis of ownership, sources of finance are as follows. It can be classified into owner's fund and borrowed funds. Owner's fund yani equity. It includes equity share capital, preference share capital plus retained earning. Means hamare reserves and surplus. Ye sabhi owner's money hai, owner's fund hai. Now borrowed fund or the debt. Debt include loan, short term, medium term, long term loan borrowed from bank, financial institutions, debentures, public deposits, etc. The formula of ratio of debt and equity in the capital structure. हमारा जो capital structure है उसके लिए हम एक ratio use कर सकते हैं which is dependent on debt and equity. The formula is debt upon equity or debt upon debt plus equity. Debt plus equity means the total finance we are using in the business. इसमें से कितना proportion debt का है? That is the ratio of debt and equity in the capital structure. Now we see some important points about debt and equity. The first is debt is borrowed fund whereas equity is owner's fund. डेट को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी कहते हैं और इक्विटी इंटरनल लाइबिलिटी है. डेट आउटसाइडर्स की मनी है इसलिए बोरोड फंड है, जबकि इक्विटी ओनर्स की मनी है. द सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म एज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स. लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी रिस्क बहुत कम है क्योंकि उन्हें रेगुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, इसके साथ ही उनके डिबेंचर का उनके डेट का पेमेंट भी टाइमली होगा. जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं है, वैसे ही उनका कैपिटल भी लिक्विडेशन के समय यदि एसेट्स बचेगी तो रिटर्न होगा. मतलब इसमें कोई भी कंपल्शन या प्रॉमिस कंपनी की तरफ से नहीं किया गया. सो लेंडर्स रिस्क इज वेरी लेस देन द रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स, इसीलिए इन लेंडर्स को मिलने वाला इंटरेस्ट भी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड से कम होता है. एंड द कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Now the third is interest paid on debt is a deductible expense for computation of tax liability. Company का profit and loss account में tax minus करने से पहले हम interest on debt minus कर देते हैं. इस expense के कारण profit कम होता है, profit कम होने से tax liability भी कम हो जाती है. Means इस interest के कारण हमारी tax saving भी होती है. जबकि dividends are paid out of profit after tax. टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही हम डिविडेंड पे करते हैं, इसलिए डिविडेंड से हमारी कोई टैक्स सेविंग नहीं होती. इस स्टेटमेंट को हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा है, वह लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगी. द फोर्थ इज फॉर अ फर्म डेट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू इक्विटी एज इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क. Risk of inability to pay fixed financial charges like interest and repayment of principal amount. किसी भी फर्म के लिए इक्विटी से ज्यादा डेट रिस्की है क्योंकि डेट के ऊपर फर्म को फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज जैसे इंटरेस्ट और उनका रिडम्पशन करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होता है, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क. सो यह डेट के केस में होती है, लेकिन इक्विटी के केस में ऐसी कोई भी फाइनेंशियल रिस्क कंपनी के लिए नहीं होती. द फिफ्थ इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस अफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क. अब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल फाइनेंस अफेक्ट्स आवर प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग पर शेयर एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन.
The sixth is the main objective of capital structure is to maximize shareholders' wealth. हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर्स वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए. शेयर होल्डर्स वेल्थ मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर प्राइजेस इन द मार्केट. दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव थ्रू फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इस ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नाउ वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. Leverage means the relationship between two interrelated variables like cost, output, EBIT, earning before interest and tax, EPS, earning per share. There are three types of leverage: financial leverage, operating leverage and combined leverage. Here we have financial leverage means the comparison, the ratio of debt and equity which are related to finance. And there is an analysis of EBIT and EPS for financial leverage. This financial leverage refers to the proportion of debt in the overall capital. Means हमारे total capital में से कितना proportion, कितना percentage debt का है, उसे ही हम कहते हैं financial leverage. It is computed as debt upon equity or debt upon debt plus equity. Now, trading on equity refers to the increase in profit earned by equity shareholders, that is earning per share, due to the presence of fixed financial charge like interest. इसका मतलब जैसे जैसे हम अपने total capital में borrowed fund debt increase करते जाते हैं, earning per share increase होते जाएगा. So that is called trading on equity. इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करेंगे. मान लीजिए कंपनी एक्स है. टोटल फंड्स टू बी रेज्ड फॉर कंपनी एक्स इज रुपीज 30 लाख. मींस कंपनी एक्स को 30 लाख रुपीज की जरूरत है. इंटरेस्ट ऑन डेट इज 10%. टैक्स रेट इज 30% विच इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Face value of equity share is rupees 10 per share. EBIT, earning before interest and tax, is rupees 4 lakhs. अब हमारे पास तीन situations हैं. हर situation में हमें 30 lakhs rupees की investment की जरूरत है. Capital structure means the combination of debt and equity. मान लीजिए situation 1 में हमारे पास कोई भी debt नहीं है. मीन्स टोटल फंड्स 30 लाख के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे. सेकेंड सिचुएशन में हमने डेट 10 लाख ली. इसका मतलब बचा हुआ हम इक्विटी शेयर कैपिटल से लेंगे, दैट इज 20 लाख रुपीज. थर्ड सिचुएशन में यदि हमारी डेट 20 लाख रुपीज है, इसका मतलब बचा हुआ 10 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल से होगा. अब हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग होती है ईबीआईटी से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. वह हर तीनों सिचुएशन में 4 लाख रुपीज है. ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करेंगे जो दिया है 10%. फर्स्ट केस में हमारे पास कोई भी डेट नहीं है, इसका मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा. सेकेंड सिचुएशन में हमारी डेट 10 लाख रुपीज है. 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपीज वह हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन डेट. थर्ड सिचुएशन में हमारी डेट है 20 लाख रुपीज. इसका 10% मीन्स 2 लाख रुपीज, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेट, डिबेंचर, बॉन्ड्स और द बैंक लोन. नाउ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑन डेट, इट विल गिव अस ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और यू कैन से प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Now it will be 4 lakh. Second situation, it will be 3 lakh. In third situation, it will be 2 lakh. Now EBT में से हम tax minus करेंगे जो दिया है 30%. 4 lakhs का 30% 1,20,000. 3 lakh का 30% 90,000. 2 lakh का 30% 60,000. अब EBT में से tax यदि minus कर रहे तो हमें मिलता है EAT, earning after tax. Profit after tax, it will be 2,80,000 in first situation, 2,10,000 in second situation, 1,40,000 in third situation. Now we need number of shares.
इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करेंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल इक्विटी है 30 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इज गिवन 10 रुपीज पर शेयर। सो 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 3 लाख शेयर्स। सेकेंड सिचुएशन में नंबर ऑफ कैपिटल है 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 2 लाख विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स। थर्ड सिचुएशन में 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट विल बी 1 लाख शेयर्स। नाउ अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 3 लाख इट विल बी 0.93। इन सेकेंड सिचुएशन 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इट विल बी 1.05 पर शेयर। इन थर्ड सिचुएशन 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इट विल बी 1.40 पर शेयर। इस तरह आपने इस ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में देखा कि जैसे जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज की वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो गई। अब अर्निंग पर शेयर और डेट में क्या रिलेशन है इसके लिए हम आरओआई का कैलकुलेशन करेंगे और फिर आरओआई और कॉस्ट ऑफ डेट में भी रिलेशन देखेंगे। अब तक हमने एक स्टेटमेंट समझा कि इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। देखिए टैक्स माइनस करने से पहले हमने इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस कर दिया मींस इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। अब मैंने आपको यह भी बताया कि इंटरेस्ट ऑन डेट के कारण हमारी टैक्स सेविंग होती है। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन में हमारी डेट जीरो थी इसलिए इंटरेस्ट भी जीरो था और हमारा टैक्स लगा था 1,20,000 का। अब सेकेंड सिचुएशन में हमारी डेट 10 लाख हो गई, जीरो से 10 लाख मीन्स 10 लाख का इंक्रीमेंट हो गया तो हमारा इंटरेस्ट भी 1 लाख हो गया। इस इंटरेस्ट के कारण प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम होने के कारण टैक्स भी कम हो गया। अब देखिए डेट 10 लाख से इंक्रीज हुई तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी 1 लाख से इंक्रीज हो गया। 1 लाख का 30% यानी 30,000 होता है तो हमारा टैक्स भी 30,000 से कम हो गया यानी हमारी टैक्स सेविंग हुई यहाँ पर 30,000 की। अब सेकेंड से थर्ड सिचुएशन कंपेयर करिए। सेकेंड से थर्ड सिचुएशन में जाते समय हमारा डेट 10 लाख से 20 लाख यानी 10 लाख का इंक्रीज हो गया। इस 10 लाख का 10% यानी हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी 1 लाख से इंक्रीज हो गया। इस 1 लाख के इंटरेस्ट एक्सपेंस के इंक्रीज होने से हमारा टैक्स कम हो गया। 1 लाख का 30% यानी होता है 30,000 तो हमारा टैक्स एक्सपेंस भी 30,000 से कम हो गया। इसका मतलब जितना हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस बढ़ता है उतना ही हमारा टैक्स का एक्सपेंस कम हो जाता है एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन डेट सेव्स आवर टैक्स एक्सपेंसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। Now to understand why earning per share increases with increased use of debt in capital structure, we calculate ROI. ROI means return on investment. The formula is EBIT upon total investment into 100. Company X ke case mein hamara EBIT hai 4 lakh aur total investment hai 30 lakhs. So 4 lakh upon 30 lakhs into 100, it gives 13.33%. So our ROI is 13.33%, whereas cost of debt means interest is 10%. ROI का मतलब कि हम जो बिजनेस में 30 lakhs का इन्वेस्टमेंट लगाए हैं उसके ऊपर हमारा रिटर्न है, प्रॉफिट है 13.33%। और इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो डेट लिया है उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस है 10%, यानी हमारा एक्सपेंस कम है और इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न ज्यादा है। सो ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट इन दिस एग्जांपल। सो अर्निंग पर शेयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेट। मतलब हमने तीनों सिचुएशन में देखा कि जैसे जैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होते जाता है क्योंकि इस एग्जांपल में हमारा आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है।
This is a situation of favorable financial leverage. यह सिचुएशन हमारी फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है, इसे ही हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवाइजेबल हियर. इट इज रिकमेंडेड दैट इंस्टेड ऑफ रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी द कंपनी मस्ट चूज दैट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेज शेयर होल्डर्स वेल्थ. यानी एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन है कि भले ही टोटल कैपिटल में यदि आप डेट इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा यदि आपका आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है. इसका मतलब इस कंपनी एक्स के एग्जांपल में तीन सिचुएशन के बाद यदि हम फोर्थ सिचुएशन फिफ्थ सिचुएशन भी लाएंगे और अपना डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करते जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर और ज्यादा इंक्रीज होगा. लेकिन यह रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा. भले ही हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा लेकिन हमारी रिस्क भी इंक्रीज होती जाएगी. रिस्क ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, रिस्क ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट. सो यह रेकलेस यूज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑल्सो फाइनेंशियल रिस्क. So, optimum capital structure should be used which maximizes shareholders' wealth. यानि हमें ऐसा debt और equity का proportion use करना चाहिए जिससे हमारा earning per share increase हो, market में हमारे shareholders की value increase हो. Now we see the second example. In this example, company Y needs 30 lakh rupees to be raised for investment. Interest on debt is 10%, tax rate 30%, face value of equity share is rupees 10, EBIT is rupees 2 lakh. Means example 1 के समान ही पूरी information है, केवल EBIT हमारा 4 lakh से 2 lakh हुआ है. इस second example में हमारा capital structure भी first example के समान ही है, केवल EBIT हर केस में 2 लाख रुपीस हुआ है. 10% इंटरेस्ट ऑन डेट वी विल माइनस. इन फर्स्ट केस देयर इज नो डेट मींस नो इंटरेस्ट. इन सेकंड सिचुएशन डेट इज 10 लाख, 10 लाख का 10% मींस 1 लाख इज द इंटरेस्ट. इन थर्ड सिचुएशन 20 लाख का 10% मींस 2 लाख इज द इंटरेस्ट. नाउ EBIT माइनस इंटरेस्ट इट विल गिव EBT. फर्स्ट सिचुएशन में 2 लाख, सेकेंड सिचुएशन में 1 लाख और थर्ड सिचुएशन में हमारे पास अब कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा. नाउ ईबीटी में से हम टैक्स माइनस करेंगे जो दिया है 30%. 2 लाख का 30% होता है 60,000, 1 लाख का 30% 30,000. थर्ड सिचुएशन में हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. नाउ ईबीटी माइनस टैक्स इट विल गिव ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स. फर्स्ट सिचुएशन में 1,40,000, सेकेंड सिचुएशन 70,000, थर्ड सिचुएशन 0. नाउ नंबर ऑफ शेयर्स आर ऑल्सो इक्वल एज एग्जाम्पल 1, 3 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स एंड 1 लाख शेयर्स. अर्निंग पर शेयर 0.47 इन फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन 0.35 एंड इन थर्ड सिचुएशन नेल. देखिए जैसे जैसे हमने कैपिटल में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज किया हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होने की जगह इस एग्जांपल में डिक्रीज हो गया. इसके लिए हम आरओआई और इंटरेस्ट ऑन डेट का कंपैरिजन देखेंगे. नाउ वी कैलकुलेट आरओआई फॉर द सेकंड एग्जांपल. ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सेकंड एग्जांपल में हमारा ईबीआईटी है 2 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 30 लाख इनटू 100. So it comes 6.67%. Now our ROI is 6.67% and the cost of debt interest is 10%. यानि हम capital structure में जो debt use करते हैं उसके ऊपर हमारा expense है 10% का और हमें return मिलता है 6.67% only. As ROI is less than cost of debt, EPS decreases with increase in debt. हमने एग्जांपल में देखा कि जैसे जैसे हमने सेकंड सिचुएशन थर्ड सिचुएशन में डेट इंक्रीज की वैसे वैसे हमारा अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो गया क्योंकि हमारा आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से कम है.
This situation is called unfavorable financial leverage. So trading on equity is not at all advisable here. I hope you have understood the concept of trading on equity. फ्रेंड्स, आपसे यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक एग्जांपल जरूर लिखना है. आई विल एडवाइज यू टू राइट द फर्स्ट एग्जांपल. लेकिन यदि आपसे हॉर्स में फिगर्स दी हुई होती है तो आपको कैलकुलेशन पार्ट करना होगा, उसके बाद आरओआई कैलकुलेट करके अपना सजेशन देना होगा, वेदर इट इज फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवाइजेबल और नॉट एडवाइजेबल. I hope you have understood it now. Now we learn factors affecting financing decision. मतलब हमें जितना टोटल फाइनेंस लगेगा उसमें से कितना अमाउंट डेट में से लेना चाहिए और कितना इक्विटी, इस डिसीजन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं. यही फैक्टर्स हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के भी हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल finance of the organization. These factors are also affecting the capital structure. The first factor is cost of debt. किसी भी debt जैसे debentures, bank loan की cost यानी interest है. If interest rate is less, more debt as compared to equity capital and vice versa. यदि मार्केट में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी मीन्स डेट कम है तो हम डेट से ज्यादा कैपिटल बोरो कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी, यानी इक्विटी की जगह हम डेट को प्रिफर करेंगे. लेकिन इसकी जगह यदि मार्केट में यह इंटरेस्ट ऑन डेट ज्यादा है तो फिर हम डेट से फाइनेंस कम लेंगे और इक्विटी से ज्यादा लेंगे. कोई भी इंटेलिजेंट फाइनेंस मैनेजर चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को ही प्रिफर करेगा. मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डेट इन द टोटल फाइनेंस. नाउ द सेकेंड इज रिस्क कंसिडरेशन. रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ इनेबिलिटी टू मीट एक्सपेंसेस. ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए हमेशा हमारे पास कैश अवेलेबल होना चाहिए. जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क कंसिडरेशन. फर्स्ट इज बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क. बिजनेस को चलाने के लिए कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम. बिल्डिंग के ऊपर हमें रेगुलरली रेंट पे करना होता है. अपने परमानेंट एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं जो फिक्स्ड होती है. इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली पे करना होता है. सो दिस एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड इन नेचर एंड यू हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस. सो दिस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड दिस इज बिजनेस और ऑपरेटिंग रिस्क. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क इज फाइनेंशियल रिस्क. That is fixed financial charges. जब हम money कहीं से भी, finance कहीं से भी लेते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ pay करना होता है. जैसे interest payment, debt के ऊपर हमें regularly interest pay करना होगा. That is a charge against profit. You have to pay it regularly. Preference dividend. Preference shareholders का rate of dividend fixed होता है. यदि company को profit है तो company को यह dividend सबसे पहले पे करना होगा. देन रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. डिबेंचर्स, बैंक लोन का अमाउंट आपको रीपे करना होगा. कंपनी लिक्विडेट होगी तो इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस कैपिटल रिटर्न होगा और उसके बाद में एट द एंड इक्विटी कैपिटल रिटर्न होगा. दैट इज रीपेमेंट ऑब्लिगेशन. सो दिस इज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस. दिस इज द रिस्क ऑफ द कंपनी दैट यू हैव टू मीट दिस एक्सपेंसेस. So this is financial risk. अब किसी total risk, हमारे business और financial risk को मिलाकर हमारी total risk बनती है. अब यदि किसी company की business और operating risk ही बहुत ज़्यादा है, salary, rent, insurance, premium के expenses बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें debt से finance नहीं लेना चाहिए,
नहीं तो उनके फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी इंटरेस्ट का एक्सपेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उनकी टोटल रिस्क इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यदि आपकी ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी ज्यादा है तो आप डेट से फाइनेंस मत लीजिए, इसकी जगह आप इक्विटी कैपिटल इश्यू कीजिए, ताकि डिविडेंड भी कंपलसरी नहीं है और उसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी कंपलसरी नहीं है। इसका ठीक अपोजिट यह होगा कि यदि आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग रिस्क कम है, आपके रेंट सैलरी इंश्योरेंस प्रीमियम के एक्सपेंसेस कम है, तब आप डेट से फाइनेंस ले सकते हैं, क्योंकि आप फिक्स फाइनेंशियल चार्ज इंटरेस्ट पे करने की पोजीशन में हैं। नाउ द थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स इशूइंग एक्सपेंसेस ऑफ सिक्योरिटीज। हम शेयर्स इशू करें या डिबेंचर्स, हमें कुछ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन जो हम कंपनी के अंडरराइटर्स को देते हैं, ब्रोकरेज जो ब्रोकर को दिया जाता है, स्टैम्प ड्यूटी, लिस्टिंग एक्सपेंसेस, अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए हमें लिस्टिंग एक्सपेंसेस लगते हैं। सिक्योरिटीज विद लिस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट प्रिफर्ड। इसका मतलब हम शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों सिक्योरिटीज के फ्लोटेशन कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, जिस केस में हमारी यह कॉस्ट कम होगी उसे हम प्रिफर करेंगे। द फोर्थ इज कैश फ्लो पोजिशन। कैश फ्लो पोजिशन यानी कि यदि कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है तो कंपनी डेट फाइनेंस को प्रिफर करेगी। इनफ कैश फ्लो विल प्रिफर डेट बिकॉज डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस एज इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कैन बी मेट। डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कंपेयर टू इक्विटी, और यदि हमारे पास इनफ लिक्विडिटी है, कैश है, तो हम आसानी से डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर सकते हैं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कैन बी मेट, सो डेट कैन बी प्रिफर्ड। लेकिन यदि कंपनी के पास कैश फ्लो पोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो कंपनी को डिबेंचर्स या बैंक लोन से फाइनेंस नहीं लेना चाहिए, उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल प्रिफर करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी के केस में डिविडेंड और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। द फिफ्थ इज कंट्रोल्ड कंसिडरेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल डाइल्यूट्स मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस, दैट हैज नो सच इम्प्लीकेशंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव कंट्रोलिंग पावर इन द मैनेजमेंट। सो यदि हमारे पास ऑलरेडी बहुत इक्विटी कैपिटल इश्यू की भी है, तो यदि हम और इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे तो कंपनी का कंट्रोलिंग पावर कम होते जाएगा। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका मैनेजमेंट में कंट्रोल कम होगा, क्योंकि न्यू इक्विटी शेयर होल्डर्स और ज्वाइन कर लेंगे, जबकि डिबेंचर्स के ऊपर डिबेंचर होल्डर्स को ऐसा कोई कंट्रोलिंग अधिकार नहीं है। सो इफ इक्विटी शेयर होल्डर्स वॉन्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस दैट प्रिफर डेट एंड वाइस वर्सा। सो यदि हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोलिंग पावर रिटेन रखना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, तो हमें डिबेंचर्स इशू करना चाहिए, इक्विटी कैपिटल इशू नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे अपना मैनेजमेंट में कंट्रोल दूसरे नए इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए रेडी है, तो फिर हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, और यू कैन से स्टॉक मार्केट कंडीशंस। स्टॉक मार्केट में दो तरह के पीरियड हो सकते हैं, बूम पीरियड एंड डिप्रेशन पीरियड। बूम पीरियड में शेयर मार्केट हाई होता है, शेयर के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, स्टॉक मार्केट इज राइजिंग। जब शेयर के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो इन्वेस्टर्स ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज होती है। ऐसे समय कंपनी भी फंड्स रेज करने के लिए इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। सो इट इज ईजी टू रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द बूम पीरियड। नाउ डिप्रेशन पीरियड में शेयर मार्केट डाउन होता है, शेयर के प्राइजेस डाउन होते हैं, ऐसे समय इन्वेस्टर्स डिबेंचर प्रिफर करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स एक सेफ ऑप्शन है, उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा, उन्हें उनका प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न होगा।
लेकिन शेयर्स के केस में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। शेयर्स के प्राइस डाउन है तो शेयर होल्डर्स की इनकम डिक्रीज हो जाएगी, यह उनके लिए सेफ ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए डिप्रेशन पीरियड में शेयर होल्डर्स डिबेंचर प्रिफर करते हैं, तो कंपनी को भी डिबेंचर्स इशू करके ही फाइनेंस रेज करना चाहिए। दैट मे बी यूज टू रेज फाइनेंस एज पीपल लुक मोर टू सेफ्टी देन टू इनकम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स, अब तक आपने जो फैक्टर्स देखे वह फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों के लिए सेम थे। नाउ 7 ऑनवर्ड्स फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। द फॉर्मूला इज ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 1000 रुपीज और आपका ईबीआईटी है 4000। सो द आंसर विल बी 4 times। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब आपका ईबीआईटी इंटरेस्ट को 4 times पे करने की पोजिशन में है। योर ईबीआईटी कैन रीपे 4 times ऑफ द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। दिस इज अ गुड इंडिकेशन फॉर द कंपनी। सो हायर ICR रेशियो मीन्स द कंपनी कैन बोरो मोर मनी एज देयर इज लेस रिस्क इन मीटिंग द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। लेकिन ICR में कैश अवेलेबिलिटी को कंसिडर नहीं किया जाता, कंपनी की लिक्विडिटी नहीं देखी जाती। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी इज हैविंग हायर ईबीआईटी बट लेस लिक्विडिटी, और इंटरेस्ट पे करने के लिए हमें कैश चाहिए। सो दिस इज नॉट द परफेक्ट रेशियो। नाउ द 8th इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। ICR का जो ड्रॉबैक है कि वे लिक्विडिटी को कंसिडर नहीं करते, उसे DSCR में कवर अप किया गया है। नाउ द फॉर्मूला इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, इसलिए इसे एडबैक किया गया है। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने डिनोमिनेटर में भी लिखा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस हो चुका है पहले, इसलिए हमने उसे एडबैक किया। प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जैसे डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, जो हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं लेकिन हमारी कैश अवेलेबिलिटी को कम नहीं करते, इसलिए हम वे सभी नॉन कैश एक्सपेंसेस भी यहाँ पर एडबैक करेंगे ताकि हमें पता चले कि प्रॉफिट के अलावा हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। नाउ इन डिनोमिनेटर वी आर राइटिंग द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड एंड इफ यू हैव इनफ प्रॉफिट कंपनी विल पे द डिविडेंड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट। देन इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जैसे आपको डिबेंचर्स का टाइमली रिडम्पशन करना होगा, उनका प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होगा, बैंक लोन रिटर्न करना होगा, प्रिफरेंस कैपिटल भी रिडीम होता है, सो ऑल द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन इज ऑल्सो कंसिडर। इस तरह DSCR में हमने पूरी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी कंसिडर की है और कैश अवेलेबिलिटी भी कंसिडर की है। सो दिस इज अ बेटर रेशियो एज कंपेयर टू ICR। नाउ इफ यू गेट अ हायर DSCR मीन्स द कंपनी कैन बोरो मोर मनी मोर देट एज एबिलिटी टू मेक कैश कमिटमेंट। I hope you have understood both the ratios. Now the 9th factor is return on investment. यह calculation part आपने trading on equity में भी देखा है. Now let's revise. ROI is equal to EBIT upon total investment into 100. If your ROI is greater than rate of interest on debt, EPS increases with increasing debt in the capital structure. सो मोर डेट दैन इक्विटी। यह कॉन्सेप्ट आपने कैलकुलेशन पार्ट में देखा कि यदि ROI हमारे कॉस्ट ऑफ डेट इंटरेस्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब
जो मनी हम बोरो करते हैं उसके ऊपर एक्सपेंस कम और उससे मिलने वाला रिटर्न ज़्यादा है। इस कारण हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे जैसे डेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होती है। तो इस केस में कंपनी कैपिटल में ज़्यादा डेट बोरो कर सकती है एज कंपेयर टू इक्विटी, यानी हम इक्विटी की जगह डिबेंचर्स प्रिफर करेंगे। लेकिन यदि हमारा आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो हमारा अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएगा। तो हमें इस केस में फिर डेट प्रिफर नहीं करनी चाहिए। आई होप यू हैव रिवाइज द आरओआई। नाउ द 10th इज टैक्स रेट। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। यह फाइनेंसिंग डिसीजन के कॉन्सेप्ट में भी हमने देखा कि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, उसके बाद हम टैक्स माइनस करते हैं, उसके बाद डिविडेंड माइनस करते हैं। मतलब इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट इस एक्सपेंस से हमारी टैक्सेबल इनकम कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, जिससे टैक्स भी कम हो जाता है। लेकिन डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पे किया जाता है तो हमारा कोई भी टैक्स सेविंग डिविडेंड के केस में नहीं होता। सो इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, सो मोर डेट इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट। अब हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज योर इंटरेस्ट ऑन डेट बिफोर टैक्स मीन्स कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10%। जो मनी आप बोरो करते हैं उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है। अब हमारा टैक्स रेट सपोज 30% है, सो इस 10% में 30% मीन्स 3%, 10% माइनस 3% इज 7%। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन डेट आफ्टर टैक्स विल बी 7%। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हम डिबेंचर होल्डर को 10% इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस 10% इंटरेस्ट के कारण हमने गवर्नमेंट को 3% टैक्स कम पे किया, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ा तो टैक्सेबल इनकम कम हुई, टैक्सेबल इनकम कम हुई तो टैक्स कम हो गया। सो इस 10% इंटरेस्ट एक्सपेंस के कारण हमारा 3% टैक्स का एक्सपेंस कम हो गया, हमारा टैक्स सेविंग हो गया। तो अल्टीमेटली हमें डिबेंचर की कॉस्ट 7% ही हुई। ओके, नाउ सपोज हम यह टैक्स रेट कर देते हैं 40%, गवर्नमेंट ने टैक्स 30% से 40% कर दिया, द इंटरेस्ट एक्सपेंस इज सेम 10%। अब इस 10% का 40% यानी 4% हो गया तो हमारा आंसर होता है 6%। यानी यदि हमारा टैक्स इंक्रीज होता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स डिक्रीज होता है। यदि हमारा टैक्स 50% हो गया तो हमें कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 5% ही लगेगा। इसलिए जैसे जैसे हमारा टैक्स इंक्रीज होता है हम ज़्यादा डेट प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कम होता है। सो मोर डेट इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्टर ऑल्सो। नाउ द 11th फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। More use of debt in the capital structure raises the financial risk faced by shareholder, so it increases the desired rate of return of shareholders. Debenture holders are the creditors of the company. They want their interest and the principal back after some time. लेकिन shareholders जो है वो company के owners हैं। Debenture holders की ये जो financial risk है वो shareholders यानी owners ही bear करते हैं। सो इसलिए यदि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्रीज होते जाएगा तो इससे शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जाएगी और फिर वे भी ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, उन्हें ज़्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने से हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिक्रीज होती है, भले ही हमारा EPS डिबेंचर के साथ इंक्रीज होते जाए, जैसा हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी देखा। Excess use of debt raises the cost of equity and market value of share may decrease in spite of increased EPS. हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में देखा कि यदि ROI हमारे इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो हमारा अर्निंग पर शेयर जैसे जैसे डेट इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएगा।
लेकिन इससे फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगी, तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिटर्न यानी डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे और हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ईपीएस इंक्रीज होने के बाद भी डिक्रीज हो सकती है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ द 12th इज फ्लेक्सिबिलिटी. एक्सेस डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूसेस फर्म्स पोटेंशियल टू रेज फर्दर डेट. So to maintain flexibility, firm should maintain some borrowing power for unforeseen circumstances. देखिए, जब भी हम मनी बोरो करते हैं तो हमें कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट मॉर्गेज करनी होती है. अब हर कंपनी के पास कुछ लिमिटेड फ्री फिक्स्ड एसेट्स ही होती है. यदि सभी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हम मनी बोरो कर लेंगे तो फ्यूचर में मनी बोरो करने की हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हमारे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी. इसलिए हर कंपनी को अपने पास कुछ फ्री एसेट्स रखने चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने चाहिए ताकि फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स होने पर वे मनी बोरो कर सके. द 13th फैक्टर इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. लीगल रिक्वायरमेंट्स गाइडलाइंस टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर गिवन बाय सेबी. जब भी किसी कंपनी को शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स इश्यू करना होता है तो उन्हें सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है. इवन लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ नॉर्म्स. यदि आपको बैंक से या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लोन लेना है तब भी आपको कुछ नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. So company prefers the source of finance having easy and less legal and regulatory requirements. इसलिए company पहले सभी sources के rules and regulations requirements को compare करती है और फिर उस source को select करती है जिसमें यह formalities कम हो. Now the last is capital structure of other companies. Capital structure and debt equity ratio of other companies in the same industry can be observed, but a firm should not follow it blindly. जैसे आप जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस को करने वाली और भी कंपनीज होगी, उन कंपनीज का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, आप यह भी ऑब्जर्व करके फॉलो कर सकते हैं. लेकिन किसी भी कंपनी को इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. यू शुड डिसाइड योर ओन सोर्स ऑफ फाइनेंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you.